गोल इंस्टीट्यूट ने नीट में बेहतर परफॉर्म करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया है। बता दें कि रांची के 11 छात्र छात्राओं ने 700 प्लस स्कोर किया है। छात्र छात्राओं ने बताया कि उनकी सफलता में उनके माता पिता के अलावा गोल इंस्टीट्यूट का भी अहम योगदान रहा। वहीं गोल इंस्टीट्यूट के विपिन सिंह ने बताया कि पिछले 26 सालों से नीट में अच्छे अंक लाने वालों को संस्था के द्वारा सम्मानित किया जाता रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जब ड्रीम कम्स ट्रू तो काफ़ी अच्छा लगता है। नीट वैसे इस साल विवादों में रहा, लेकिन आप लोग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और यहाँ तक पहुँचे, कैसा लग रहा है? तो अच्छा ही लग रहा है। ये मार्क्स क्रॉस कर लिया वो मतलब कट ऑफ को, वही बहुत बड़ी बात है। अभी तो जैसा इस साल नीट का रहा है तो मेरा रैंक है 26,450 और मार्क्स है 654। क्या नाम है? मेरा नाम नीता कुमारी है। नीता, कैसा लग रहा है यहाँ तक पहुँच? एक प्राउड वाला मोमेंट है मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए और वो सभी लोग जो मुझे यहाँ तक लाने में अपना योगदान दिए, उन सभी के लिए। क्या रैंक है और कितना? मेरा मार्क्स 720 में 667 है और मेरा ऑल इंडिया रैंक 16,272 है। अजित कुमार। अजित, कैसा लग रहा है यहाँ तक? हाँ, हल्का तो अच्छा लगे यार, बट पूरा अच्छा नहीं लग रहा है। पूरा अच्छा क्यों? ये पिछला बार 685 पे अराउंड 1600 रैंक था, इस बार 7000 का आसपास रैंक है, तो इसलिए अच्छा लगे। मेरा नाम हेमा मेहता है। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, महीनों की तैयारी आज सफल हो गई, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। कितना मार्क्स आया जी? मेरा नंबर 702 है। कितना घंटा पढ़ाई करते थे? घंटों में कभी मैंने नापा तोला नहीं, जितना पढ़ सकती थी उतना पढ़ती थी, प्रायोरिटी में मैं पढ़ाई को ही रखती थी, बाकी सारी चीज़ें तो साइड वाइज चलती गई। आज नीट 24 में जिन बच्चों ने सफलता हासिल की है, जिनका 650 मार्क्स प्लस था, ऐसे बच्चे सभी आए यहाँ पे और उन्हें सम्मानित किया गया है, उन्हें प्रोत्साहित किया गया, उन्हें जवाबदेहियों का ख्याल दिलाया गया कि आगे आने वाले समय में आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो डॉक्टर की जिम्मेवारी क्या है अपने समाज के प्रति और कैसे आप अपने पेशेंट को और आने वाले समय में अपनी जवाबदेही को निभाएंगे, इसके लिए हमारे पास कुछ गेस्ट आए हुए थे। गोल के एलुमनाई जो डॉक्टर हैं और प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं जो यहाँ स्थापित हैं वो भी थे, उसके साथ और भी डॉक्टर और अलग अलग क्षेत्रों के सभी सफल लोग आए थे, जिन बच्चों को आशीर्वाद दिया, अपना मोटिवेशन दिया और कैसे आगे सफल होना है और अपने समाज का सेवा करना है, इसका टिप्स भी दिया। तो ये प्रचलन है गोल्फ संस्थान का, पिछले 26 वर्षों से लगातार हम छात्रों को जो सफलता हासिल करते हैं ऐसे बच्चों को हम सम्मानित करते हैं, उनकी जवाबदेहियों का ख्याल दिलाते हैं और आगे बेहतर करने का आशीर्वाद हम लोग देते हैं। तो आज चूँकि नीट में इस बार कट ऑफ मार्क्स बहुत ऊपर गया है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने 630 प्लस स्कोर किया था और वो भी बच्चे आज ना आ पाए क्योंकि मायूस है, उन्हें लग रहा है कि मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं, बट उनमें से जो 650 प्लस वाले बच्चे हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे आए हैं। 700 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले 11 बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और 715 मार्क्स भी लाए हैं 720 में, तो ये प्रोत्साहित करता है हमारे संस्थान को और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से हमारे टीचर, हमारे संस्थान के सभी लोग मिलकर काम करते रहेंगे और एक बड़ी संख्या में छात्रों के सपने को पूरा कराने की दिशा में हम अपना ईमानदार प्रयास भी करते रहेंगे। 700 से अधिक मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं रांची? 11 बच्चे कुल मिलाकर गोल संस्थान के हैं, रांची से कुछ बच्चे यहाँ जो पढ़ाई किए थे, इसके बाद एक परंपरा होती है गोल विलेज जाते हैं, गोल विलेज के बाद सिलेक्ट होकर के आए हैं, तो मैक्सिमम बच्चे तो यहाँ से जो निकल कर गोल विलेज गए हैं उनमें से 700 से ज़्यादा नंबर लाने वाले भी हैं और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने लाया है। तो सिस्टम है जिस तरीके से काम कर रहा है बिहार और झारखंड में और छत्तीसगढ़ में, तो हम बिहार और झारखंड का जो रिजल्ट एक साथ कंबाइंड करके बच्चों के सामने रखते हैं। नीट इस बार विवादों में रहा, उसको लेकर नीट का विवाद बड़ा ऑब्वियस है क्योंकि इस बार जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर के बारे में जो आउट होने की बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सामने आ रही है और साथ ही साथ एक नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगाया गया जो बिल्कुल सही नहीं है, तो ये सारे बातों से विवाद में है जिसके वजह से कट ऑफ भी ऊपर गया है। कट ऑफ हार्डली 625
230 मैक्सिमम जा सकता था, ऐसे 20 ही जाना चाहिए था, बट बड़ी संख्या में बच्चे उस लेवल पे आए हैं और ये बड़ा मायूस करने वाला है, बच्चों को हतोत्साह करने वाला है, तनाव देने वाला है। फिर भी इस बार लगभग 500 से ज़्यादा बच्चे हमारे मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं बिहार और झारखंड से, एक अच्छा रिजल्ट है और बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, बहुत अच्छा प्रयास किया है, इनके प्रयास आज सफल हुए हैं। जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको क्या संदेश? जो तैयारी कर रहे हैं उनमें थोड़ी ये बात को लेकर मैं आयुषी है कि जिस तरीके से कट ऑफ आगे गया है, क्या इसी तरीके का आगे रहेगा, तो मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जब जब क्वेश्चन पेपर इस तरीके से सामने आता है तो कट ऑफ ऑब्वियस है कि जाएगा ऊपर, लेकिन आगे ऐसा नहीं होने वाला है। धैर्य बनाकर रखें और धैर्य के साथ अपनी मेहनत को बढ़ाते रहें, सोशल मीडिया से दूर रहते हुए अपने काम पे फोकस करें। अब तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो 100% एनसीईआरटी पे रहें आप फोकस, और उस लेवल पे अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से अगली बार आपको सफलता मिलेगी।